सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की, कि अगर आप उस कॉइल में करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। आप कहेंगे मतलब कैसे, ये क्या चक्कर है? आप इमेजिन करें एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के अंदर करंट अगर कांस्टेंट है तो इसके एक्सिस पर बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो ऑब्वियसली बी भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अगर आई कांस्टेंट है तो बी भी कांस्टेंट होगा, बट अगर आई कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो बी भी कांस्टेंट नहीं है तो बी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अगर आई बढ़ेगा या कम होगा तो बी भी बढ़ेगा और कम होगा, सिंपल है, क्लियर है यहां तक? तो जब बी इसका चेंज होगा सोलेनोइड का, तो क्या होगा, इसकी जो कॉइल्स हैं वो कहेंगी अच्छा मेरा बी इंक्रीज कर रहे हो, मैं अंदर ही अंदर करंट ऐसा पैदा करूंगी कि तुम मेरे बी को चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाएगी जो आपके इंक्रीजिंग करंट को या डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। इस प्रॉपर्टी को किसी भी कॉइल की, किसी भी सोलेनोइड की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ का मतलब अपने अंदर, इंडक्शन का मतलब पैदा करना ईएमएफ। तो जब आप इसके करंट को बढ़ाएंगे तो ये उल्टा करंट या उल्टी ईएमएफ जनरेट करेगा और आपके करंट को अपोज करेगा, यानी कि जितना करंट आप चाहते हैं उतना हो नहीं पाएगा, ऑपोजिशन की वजह से कम पाया जाएगा। और अगर आप करंट को कम करेंगे इसमें तो जितना करंट आपने एक्सपेक्ट किया था उसे थोड़ा सा ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगी, राइट? अगर आप बड़े बड़े हैलोजन बल्ब देखें, हैलोजन बल्ब पुराने आता तो एलईडी चलती हैं, हैलोजन बल्ब ट्यूब वाले जो शादियों में लगे होते हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, तो वो ना जब जलती हैं वो एकदम ही ऑन होती है, फ्लक्चुएट हो के ऑन होती हैं और धीरे 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 करके बिल्कुल लाइट रोशनी दो तीन मिनट में ऑन होती हैं। और अगर बंद भी होती हैं तो एकदम बंद नहीं होती, धीरे 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 करके टाइम लेती हैं बंद होने में भी। जो हैलोजन की बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं ना, इनके बल्ब बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है? अब होता क्या है, पीछे से करंट की कोई गारंटी नहीं है, करंट पीछे ज़्यादा कम आ जाए बल्ब उड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसके आगे एक सोलेनोइड लगा देते हैं। इस चैप्टर में सोलेनोइड को इंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इंडक्टर इसलिए क्योंकि जब इसमें करंट चेंज होता है तो इसमें सेल्फ ईएमएफ जनरेट होती है, इंड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम है इंडक्टर। तो सोलेनोइड को इस चैप्टर में इंडक्टर बोल रहे हैं। हम एक इंडक्टर लगा देते हैं, सोचे जब आपने करंट को ऑन किया तो करंट बढ़ा, तो करंट मान लो 10 एम्पीयर करना है तो 0 से 10 होगा, जब 0 से 10 बढ़ रहा होगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, तो बल्ब तक करंट प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, तो फ्लक्चुएट हो के ऑन होगी, पर एक टाइम पे तो 10 हो ही जाएगा ना, तो जब 10 हो जाएगा फिर इंडक्टर सेल्फ ईएमएफ कर नहीं पाएगी, क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स बंद हो जाएगा, तो 10 का 10 एम्पीयर जाएगा, बल्ब पूरा खुल जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब बंद करते हैं तो 10 से 0 एम्पीयर करते हैं, जब बंद करेंगे तो क्या होगा, एकदम 10 से 0 तो होगा नहीं, क्योंकि इसका फ्लक्स कम हो गया, वो एकदम करंट जनरेट कर लेगा, फिर कम होगा, फिर एकदम और करंट जनरेट, कम धीरे धीरे करते करते उसमें कुछ ना कुछ जो है उसमें कुछ ना कुछ बल्ब ऑन होता रहेगा, राइट? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं कॉइल की। तो अगर मैं इस कॉइल में करंट बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हाँ अगर ये रहा, ये बैटरी का करंट है, ऐसे बोलना चाहिए, अगर बैटरी का करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर ही अंदर ही दिखेगा नहीं, अंदर अंदर इंड्यूस करंट ऑपोजिट होगा। और अगर बैटरी का करंट डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है बैटरी का करंट, तो अंदर ही अंदर इंड्यूस करंट इसकी डायरेक्शन में जाएगा और आपके बैटरी के करंट को बढ़ा देगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब किसी भी इंडक्टर के अंदर एक करंट का इंड्यूस होना, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो है कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है कि सपोज करो आपके पास एक सोलेनोइड है या आपका इंडक्टर है, लेट अस सपोज, ठीक, ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर में आपने करंट पास किया आई, ऑब्वियसली चेंजिंग होगा, ठीक है, आई इसमें कम या ज़्यादा होगा। तो जब इंडक्टर में आई करंट पास कर रहे हैं तो इंडक्टर का फ्लक्स जो होगा वो फाई हो जाएगा, है ना? टोटल फ्लक्स फाई है उसका, पूरे इंडक्टर का, पूरे सोलेनोइड का जो फ्लक्स है वो कितना है, वो फाई है।
तो जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फाई प्रोपोर्शनल टू करंट आई है। तो जितना ज़्यादा करंट आप पास करेंगे एक इंडक्टर के अंदर, फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। सही है यहाँ तक। एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी जिसका नाम है एल। एल का मतलब है कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसलिए क्योंकि फ्लक्स सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उन पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, डायमेंशंस ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंडेंट है। तो उन डायमेंशंस की जगह मैंने टर्म क्या लगा दी, एल। एल को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कि एल किस पे डिपेंड करता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो कॉइल है उसका फ्लक्स क्या होगा, एल इंटू आई। तो उस कॉइल में ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो जाएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह क्या पुट करेंगे, एल आई। एल किसी भी कॉइल का कॉन्स्टेंट है, डी आई बाई डी टी। अब सोचो करंट सोलेनॉइड में कॉन्स्टेंट है, इंडक्टर में करंट कॉन्स्टेंट है, डी आई बाई डी टी क्या होगा, जीरो। तो कोई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, लेकिन जब तक करंट चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब मेरा आपको ये बताना बनता है कि एल किस पे डिपेंडेंट है, एल चीज क्या है। लेकिन उससे पहले एल के जो यूनिट्स होते हैं याद रखना, वो क्या होते हैं, हेनरी। आपको क्वेश्चन में एल गिवन होते हैं वैसे। तो पहला पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, एक ई की वैल्यू इंडक्टर के अंदर माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। ई की वैल्यू इंडक्टर के अंदर माइनस एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, पहला फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ इंडक्शन के,